जन्ने गद्ध में बोला हूँ। हाँ हाँ बेटे बोला, बिल्कुल बिल्कुल बोला, लेकिन बेटे हम नहीं बोलेंगे। शमानिया कंचन जी, मैंने तो सिर्फ इतना सुना है कि वीर बाबा बजरंग बली ने प्रभु श्री राम से माता जानकी का मिलाप करवाया है। ये करवाया है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हरण में वो कहीं नहीं थे, हरण तो पहले हो चुका था, मित्रता तो बाद में हुई है। कहाँ की बात कर रहे हो आप? इसीलिए माइक वाले माइक मद्दा कर देते हैं। और क्या बेटी, बिल्कुल धन्यवाद। मैं बात कर रही हूँ खाने की और पिलाने की, आप कर रहे हैं माया की और बाया की। इनको बेटे माया लगी है। कुछ मेहनत कीजिएगा। और क्या कमलेश्वरी कंचन जी, ये जवाबी का मैटर है। और क्या अपने राइटर महोदय जी से समझ लिया कीजिए, इसके बाद खड़े होना। जय हो बेटे, जय हो अगले चक्र में। और क्या, ऐसा नहीं है कि मैंने बात की है खेत की, आप कर रहे हो खलियान, ऐसे थोड़ी जवाबी का मैटर होता है। समझिए भाई साहब, इस गीत में ऐसे ढोलक लगती है। हाँ और क्या होते हैं, बिल्कुल बस बेटे। और ये 51 पद मुद्राएं इसी तर्क पर आपने प्रदत्त की है। सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री जगदीश पटेल जी, आपके कदमों से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जहां भी विराजमान है, मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। सुनिएगा और ये 100 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार इसी तर्क पर आदरणीय हमारे प्रधान जी सम्मानीय पवन पटेल जी, आप पूर्व सरपंच साहब हैं, एक बार मैं चाहती हूँ आपके लिए और सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय सरपंच जी, आपके कृपा से ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जहाँ भी विराजमान हैं, मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और ये 51 पद मुद्राएं सम्मानीय हमारे मामा जी हिम्मत बुरार, क्या बात है गांव के नाम का, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय मामा जी, जहाँ भी आप विराजमान है बहुत बहुत स्वागत है। सुनिएगा Yeah!
सरपंच जी, जहाँ कहीं भी हो जरूर सुनना। बिल्कुल बेटे। अरे आपके वर्ष जो बरसेगा ये सावन कैसा होगा, लेकिन अरे सावन जैसा भी हो तेरा साजन कैसा हो। धन्यवाद। अरे सावन शमानी बहन जी, बस ये ना आने पाए इसको आप कंट्रोल में रखिएगा। सावन जैसा हो तेरा साजन कैसा होगा। बढ़िया पंक्तियां आपने इसी धुन पर दी हैं। आपकी पंक्तियां मोड़ रही हैं। क्या बेटे क्या, अगर काम से पन्ना जलता शिव के नयन अगन से द्वारा, तो जन्म जन्म की पत्नी उनको मिलते नहीं दोबारा। जन्म जन्म की पत्नी उनको मिलती नहीं दोबारा। बढ़िया गीत आपने गाया है। आइएगा, कोशिश कर रही हूँ। आइएगा, आपने गीत में एक बात चल रही है। हाँ, कौन से बेटे? शिव शिवा संज्ञा। लेकिन आइएगा, अपनी ओर से भी कुछ ऐसे ही मैटर मिला रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल बेटे। सभी का जाना पहचाना है प्रसंग, क्योंकि मेरी यादें तो भटकने की नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि समय सत्यवान के प्राण यमराज जी लिए जा रहे हैं, तो देखिएगा हुआ क्या। जल्दी हो सत्य सती ने अपना सुनिएगा, जब यमराज जी शत्रुओं के प्राण लिए जा रहे हैं, पीछे मुड़कर के देखा सावित्री पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज जी ने तारा पूछा, दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है सावित्री। कहने लगी, प्रभु मेरा सुहाग आप लेकर के जा रहे हैं, मेरे पति को आप लेकर के जा रहे हैं। जब पति को लेकर के जा रहे हैं तो देखेगा क्या बेटे। हाँ सत्य सती ने अपना दिखाया, पति के अलावा यमराज जी ने वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सब कुछ मांग लिया। जब सब कुछ मांग लिया तो वरदान में यमराज जी से 100 पुत्रों की माता ये भी वरदान मांग लिया। जब यमराज जी ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दे दिया सावित्री को, हुआ क्या। क्या बेटे, पुनः देखा फिर पीछे पीछे चली आ रही है सावित्री। जब फिर कहा तो कहने लगी सावित्री, हाँ सत्य सती ने अपना दिखाया। कैसे? कैसे बेटे? हाँ शक्ति की सदोती से, और शक्ति की सदोती से यम को भाया।
क्योंकि पुत्र वधु होने का जब वरदान मिल गया, पुत्र वधु होने का जब वरदान मिल गया सावित्री को, जब यमराज ने वरदान दे दिया पुत्र वधु होने का, तो सावित्री ने दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, स्वामी यमराज जी से तो बचने में सती ही फंस गए, और ये 1 करोड़ रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में भेंट हुआ है इन्हीं चंद पंक्तियों पर। जब आपकी चंद पंक्तियों पर सम्मानीय उमा शंकर भैया जी, आपके कर्मों से ये 1 करोड़ रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ, स्वागत कर रही हूँ। सुनेगा पुत्र वधु के वरदान में जब फंस जाते हैं तो बचन में सती के फंस गए ऐसे मिलता नहीं किनारा, तो हटो सती की अटल न हो पाती न पति दोबारा। अगर सती अपने हट पर खड़ी नहीं रहती तो अपने पति को पुनः जीवनदान नहीं दे पाती, ना बिल्कुल, और जब जीवनदान नहीं दिला पाती तो कमलेश्वरी कंचन जी राशि आपने सूर्य संज्ञा को लिया था, शिव और शुभा को लिया था, तो यहाँ से भी सप्तमा और दूसरी है सावित्री, बिल्कुल सब वहाँ है तो सब वहाँ है। सुनेगा दिया गया, कामदेव जी भस्म हो गए, तब रति ने शिव जी को मनाया, रति ने शिव जी को मनाया, उन्हें वरदान दिया कि द्वापर में प्रद्युम्न नाम के कामदेव का जन्म होगा। अर्वेश्वरी कंचन जी, द्वापर में प्रद्युम्न नाम के कामदेव का जन्म होगा और तुम्हें तुम्हारे पति भी मिलेंगे, तुम्हारे पति भी मिलेंगे। ये सम्मानीय हमारे बड़े भैया श्री भागीरथ श्रीवास जी गुमारा, आपके कर्मों से ये 1 करोड़ रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद जब आपकी इसी पंक्तियों पर भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। और ये 1 करोड़ रुपए का आशीर्वाद जब आपकी पंक्तियों पर सम्मानीय हमारे कमेटी के सभी पदाधिकारी गणों के कर कमलों से भेंट हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा के घर जीना लागे जी
आइएगा। हाँ जब हम गाने के लिए खड़े होते तभी सीटी आती है। हाँ हाँ बिल्कुल भैया इतनी मेहरबानी क्यों, दुश्मन है क्या कानून? ना बेटे ना ना निभा भैया ना निभा। और क्या सुनेगा कह रही हूँ बचपन से जिसने है संभाला उन्हें पाला हेलो आइएगा। हाँ हो बचन ये बचन से जिसने है संभाला उन्हें पाला तो रचता है कैसा काम निराला बड़ा आला। शाबाश समय कम है मेरे पास जल्दी में निपटा रही हूँ सुनिएगा जरूर अर्श संग पर के बचनों को है अपने शीश पधारे तो शिव शंकर के बचनों को है अपने शीश पधारे कैसे कैसे तो हट जो अटल ना होती तो किसकी कंचन जी किसकी रति की प्रद्युम्न को जब कामदेव जी को भस्म कर दिया कामदेव जी को जब भस्म कर दिया शिव जी को मनाया उन्हें वरदान दिया वापस में प्रद्युम्न नाम के कामदेव का जन्म होगा तब तुम्हारे पति मिलेंगे जब तुम्हारे पति मिलेंगे तो रति का नाम पड़ा भानुमती और भानुमती और एक नाम और पड़ा उसका नाम था प्रसूति। सुनेगा और शिव शंकर चल के बचना को है अपने शीश पधारा उस रति की भूत बाबा भोलेनाथ के सामने अरे हट जो अटल ना होती तो हट जो अटल ना होती तो पति मिलता नहीं दोबारा